हेलो एवरीवन, वेलकम टू द यूपीएससी टाइम्स। फ्रेंड्स, हम यहाँ पे 11th क्लास की ज्योग्राफी डिस्कस कर रहे हैं, जो कि बुक का नाम है यहाँ पे फंडामेंटल्स ऑफ फिजिकल ज्योग्राफी, जिसके हम 13th चैप्टर तक कवर कर चुके हैं। आज उसका लास्ट चैप्टर है 14th चैप्टर, ये हम पढ़ेंगे। एंड चैप्टर का नाम है बायोडाइवर्सिटी एंड कंजर्वेशन। चलिए शुरू करते हैं आज का लेक्चर। यू हैव ऑलरेडी लर्न अबाउट द जियोमॉर्फिक प्रोसेसेस, पर्टिकुलरली वेदरिंग एंड डीप वेदरिंग ऑफ द मेंटल इन द डिफरेंट क्लाइमेटिक जोन। तो हम वेदरिंग की प्रोसेस के बारे में अच्छे से पढ़ चुके हैं, जियोमॉर्फिक प्रोसेस क्या होती है उनके बारे में पढ़ चुके हैं पिछली क्लासों में। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखे तो आप प्ले लिस्ट में जाके वो वीडियो देख सकते हैं। एंड यू शुड नो दैट द वेदरिंग मेंटल इज बेसिस फॉर द डाइवर्सिटी ऑफ वेजिटेशन एंड हैंस द डाइवर्सिटी द बेसिस कॉज फॉर सच वेदरिंग वेरिएशन एंड रिजल्टेंट बायोडाइवर्सिटी इज द इनपुट ऑफ सोलर एनर्जी एंड वाटर। नो वंडर दैट द एरियाज दैट आर रिच इन द इनपुट्स आर द एरियाज ऑफ वाइड स्पेक्ट्रम ऑफ डाइवर्सिटी बायोडाइवर्सिटी। बायोडाइवर्सिटी वी हैव टूडे इज द रिजल्ट ऑफ 2.5 to 3.5 मिलियन ईयर्स ऑफ एवोल्यूशन। तो आज हम बायोडाइवर्सिटी, आज जब जो देखते हैं बायोडाइवर्सिटी, ये एक दिन में नहीं बना, ये प्रोसेस ऑफ एवोल्यूशन मतलब 2.5 to 3.5 बिलियन ईयर्स की जो प्रोसेस है उसका रिजल्ट है जो आज हम देखते हैं। एंड बिफोर द एडवेंट ऑफ ह्यूमन आर अर्थ सपोर्टेड मोर बायोडाइवर्सिटी देन एनी अदर पीरियड। सिंस द इमरजेंस ऑफ ह्यूमन हाउ आवर बायोडाइवर्सिटी हैज बिगिन ए रैपिड डिक्लाइन विद द स्पीसीज आफ्टर अनदर बियरिंग द ब्रंट एक्सटेंशन ड्यू टू ओवर यूज एंड द नंबर ऑफ स्पीसीज ग्लोबली वेरी फ्रॉम 2 million to 10 million एंड विद द 10 million बींग द बेस्ट एस्टिमेट। न्यू स्पीसीज आर रेगुलरली डिस्कवर्ड मोस्ट ऑफ विच आर येट टू बी क्लासिफाइड एंड एस्टिमेट स्टेट दैट अबाउट 40% ऑफ द फ्रेश वाटर फिशेज फ्रॉम साउथ अमेरिका आर नॉट क्लासिफाइड येट। ट्रॉपिकल फॉरेस्ट आर वेरी रिच इन बायोडाइवर्सिटी। जो ट्रॉपिकल फॉरेस्ट होते हैं वो बहुत ज़्यादा रिच होते हैं बायोडाइवर्सिटी में। द बायोडाइवर्सिटी इज द सिस्टम ऑफ कॉन्स्टेंट एवोल्यूशन। बायोडाइवर्सिटी एक सिस्टम है कॉन्स्टेंट एवोल्यूशन का एंड फ्रॉम द व्यू पॉइंट ऑफ स्पीसीज एज वेल एज द फ्रॉम द व्यू पॉइंट ऑफ इंडिविजुअल ऑर्गेनिज्म। तो या तो हम स्पीसीज के व्यू पॉइंट से देखें या फिर जो इंडिविजुअल ऑर्गेनिज्म के व्यू पॉइंट से देखें तो बायोडाइवर्सिटी एक कॉन्स्टेंट एवोल्यूशन हमको देखने को मिलता है। एंड देयर एवरेज हाफ लाइफ स्पीसीज इज एस्टिमेटेड एट द बिटवीन 1 and 4 million years एवर लिव्ड इन ईयर्स एंड 99% ऑफ द स्पीसीज दैट हैव एवर लिव्ड ऑन द अर्थ आर टूडे एक्सटिंक्ट। बायोडाइवर्सिटी इज नॉट फाउंड इवनली ऑन द अर्थ, इट इज कॉन्स्टेंटली रिचर एंड द ट्रॉपिक्स एज वन ऑफ द पोलर रीजन एंड वन फाइंड लार्जर एंड लार्जर पॉपुलेशन ऑफ फ्यूअर एंड फ्यूअर स्पीसीज। बायोडाइवर्सिटी इटसेल्फ इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ टू वर्ल्ड। बायो मीन्स लाइफ, डाइवर्सिटी मीन वेराइटी। तो लाइफ फॉर्म में वेराइटी इसको हम बोल सकते हैं। इन सिंपल टर्म बायोडाइवर्सिटी इज द नंबर ऑफ वेराइटी ऑफ ऑर्गेनिज्म फाउंड विद इन द स्पेसिफिक जोग्राफिकल रीजन। तो बायोडाइवर्सिटी क्या होती है, नंबर ऑफ वेराइटी ऑफ मतलब कितनी वेराइटी ऑफ ऑर्गेनिज्म एक स्पेसिफिक जोग्राफिक रीजन में पाए जाते हैं उसको बोलते हैं हम बायोडाइवर्सिटी। एंड इट रेफर्स टू द वेराइटी ऑफ प्लांट्स एनिमल एंड माइक्रो ऑर्गेनिज्म, जो कि रेफर करता है प्लांट स्पीसीज एनिमल स्पीसीज और माइक्रो ऑर्गेनिज्म को एंड द जीन्स दे कंटेन एंड द इकोसिस्टम दे फॉर्म। तो
इकोसिस्टम को भी इंक्लूड करता है एंड इट रिलेट्स द वेरिएबिलिटी अमंग लिविंग ऑर्गेनिज्म ऑन द अर्थ इंक्लूडिंग द वैरायटी विद इन द स्पीसीज एंड दैट विद इन एंड बिटवीन द इकोसिस्टम्स. बायोडाइवर्सिटी इज वन ऑफ आर लिविंग वेल्थ एंड इट इज रिजल्ट ऑफ हंड्रेड्स ऑफ मिलियंस ऑफ ईयर्स ऑफ एवोल्यूशनरी हिस्ट्री. बायोडाइवर्सिटी कैन बी डिस्कस एट थ्री लेवल्स: जेनेटिक बायोडाइवर्सिटी, स्पीसीज डाइवर्सिटी एंड इकोसिस्टम डाइवर्सिटी. तो पहले देखते हम जेनेटिक बायोडाइवर्सिटी को. जो जेनेटिक डाइवर्सिटी होती है उसमें जीन्स आर द बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ द वेरियस लाइफ फॉर्म. सो इसमें हम जीन को देखते हैं जो कि बिल्डिंग ब्लॉक होता है वेरियस लाइफ फॉर्म्स का. एंड जेनेटिक बायोडाइवर्सिटी रेफर टू द वेरिएशन ऑफ जीन्स विद इन स्पीसीज एंड ग्रुप्स ऑफ द इंडिविजुअल ऑर्गेनिज्म हैविंग सर्टेन सिमिलरिटीज इन दी फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स आर कॉल्ड स्पीसीज. ह्यूमन बींग्स जेनेटिकली बिलोंग्स टू द होमो सेपियंस ग्रुप्स आर ऑल्सो डिफर इन देयर कैरेक्टरिस्टिक्स सच एज हाइट, कलर, फिजिकल अपेयरेंट एक्सेट्रा. Considerably, and this is due to the genetic diversity, and this genetic diversity is essential for the healthy breeding of the population of species. Specific diversity. Specific diversity देखते हैं. This refers to the variety of species and relates to the number of species in a defined area or a fixed area. The diversity of species can be measured through its richness, abundance and types. Some areas are more richer in species than the other. And areas rich in the species diversity are called hotspot of the diversity. Third, ecosystem diversity. You have studied about the ecosystem in the earlier chapter. The broad differences between the ecosystem types and the biodiversity of the habitats are the ecological process occurrence within its ecosystem. And type of constitute the ecosystem biodiversity. The boundaries of communities, associations of species and the ecosystems are not very rigid defined. Thus the demarcation of ecosystem boundaries is difficult and complex. Important of biodiversity. Biodiversity has contributed in many ways the development of the human culture and in terms the human communities have played a major role in shaping the diversity of the nature and the genetic species of the ecological value. Biodiversity plays the following roles in the roles: ecological, economic and scientific. Ecological role of biodiversity: specific of many kinds, species of many kinds perform some functions and the other at in an ecosystem. Nothing in an ecosystem evolve and sustain without any reason. That means every organism besides the extracting its need also contribute something of useful to the two organisms. Can you think of the way we humans contribute to the sustenance of ecosystem?
स्पीसीज कैप्चर एंड स्टोर एनर्जी प्रोड्यूस टू डिकम्पोज ऑर्गेनिज्म मटेरियल एंड हेल्प टू रिसाइकल एंड न्यूट्रिएंट्स थ्रू आउट द इकोसिस्टम फिक्स एंड एटमोस्फेरिक गैसेस एंड हेल्प रेगुलेट द क्लाइमेटिक एंड द फंक्शन आर द इम्पोर्टेंट फॉर इकोसिस्टम एंड फंक्शन एंड ह्यूमन सर्वाइवल. The more diverse an ecosystem, the better are the chances of species to survive through the adversities and attacks, and consequently is more productive. Hence, the loss of species would decrease the ability of the system to maintain life, and just like a species with high genetic diversity, an ecosystem with high biodiversity may have a greater chance of adapting the environment and change. In other words, the more of the variety of species in an ecosystem, the more stable the ecosystem is likely to be. Economic biodiversity. Economic role of biodiversity. For all humans, biodiversity is an important resource in their day-to-day life. One important part of the biodiversity is the crop diversity, and which is also called as the agro-biodiversity. Biodiversity is seen as a reservoir of resources to be drawn upon the manufacturer of food, pharmaceutical and cosmetic product. This concept of biological resources is responsible for the deterioration of biodiversity, and at the same time it is also the origin of new conflict dealing with rules of division and appropriation of natural resources. Some of the important and economic commodities are that biodiversity supply to humankind are food, crops, livestock and forest space, medicine resources, etc. Scientific role of biodiversity. Biodiversity is important because each species give us some clue as how life evolved. तो बायोडाइवर्सिटी हमारे लिए इसलिए भी इम्पोर्टेंट है कि हमको मतलब जो एवरी स्पीसीज से हमको कुछ क्लू मिलते हैं कि कैसे लाइफ फॉर्म का एवोल्यूशन हुआ होगा एंड विल कंटिन्यू टू इवॉल्व. एंड बायोडाइवर्सिटी ऑल्सो हेल्प इन अंडरस्टैंडिंग हाउ लाइफ फंक्शंस, लाइफ कैसे फंक्शन करती है. And the role of the each species in sustaining ecosystem of which we are also a species, and this fact must be drawn upon every one of us to that we live and let other species also live their life. In it are ethical responsibility to consider each and every species along with us have an intrinsic right of exist, and hence it is morally wrong to voluntarily cause the extinction of the any species. The level of biodiversity is a good indicator of the state of the relationship with other living species. In fact, the concept of biodiversity is an integral part of many human cultures. Loss of biodiversity. Since the last few decades, growth in human population has increased, and the rate of consumption of natural resources, and it has accelerated the loss of species and habitation in different parts of the world. Tropical regions, which occupy only about 1/4 of the
टोटल एरिया ऑफ द वर्ल्ड कंटेन अबाउट 3/4 ऑफ द वर्ल्ड ह्यूमन पॉपुलेशन एंड ओवर द एक्सप्लोइटेशन ऑफ रिसोर्सेज एंड डिफोरेस्टेशन हैव बिकम रैम्पेंट टू फुलफिल द नीड्स ऑफ लार्ज पॉपुलेशन एज दी ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट कंटेन 50% ऑफ द स्पीसीज ऑन द अर्थ. Destruction of natural habitats and that prove disasters for the entire biosphere. Natural calamities such as earthquakes, floods, volcanic eruptions, forest fires, fauna, droughts, etc. cause damage to the flora and fauna. जो भी ये natural calamities होती है उनकी वजह से जो है बहुत प्लांट एंड एनिमल कम्युनिटीज को जो है बहुत ज़्यादा लॉस होता है. एंड ब्रिंगिंग चेंज इन द बायोडायवर्सिटी इन रेस्पेक्टिव अफेक्टेड रीजन एंड पेस्टिसाइड्स एंड द अदर पॉल्यूटेंट सच एज हाइड्रोकार्बन एंड टॉक्सिक हैवी मेटल डिस्ट्रॉय द वीक एंड सेंसिटिव स्पीसीज विच आर नॉट द नेचुरल inhabitant of the local habitat but are introduced into the system of the called exotic species. There are many examples when natural biotic community of the ecosystem suffered extensive damage because the introduction of exotic species during the last few decades. Some animals like tigers, elephants, rhinoceros, crocodiles, minks, and birds were hunted mercilessly by the poachers for their horn and tusks, hides, etc. It has resulted in rendering of certain type of organism as the endangered category. The International Union of Conservation of Nature and Natural Resources IUCN has classified the threatened species of the plant and animals into their categories for the purpose of their conservation. तो सबसे पहला है endangered species. It includes those species are in danger of extinction. The IUCN publishes information about endangered species worldwide as the red list of the threatened species. Endangered category में कौन सी species आती है? दो species danger of extinction के danger पे है वो endangered category में आती है. Vulnerable species, this includes the species which are likely to be in danger of extinction, मतलब जो डेंजर के एक्सटेंशन में इन नियर फ्यूचर ऑफ द फैक्टर थ्रेटनिंग टू देयर लेस एक्सटेंशन कंटिन्यू सर्वाइवल ऑफ दीज स्पीसीज मोस्ट अश्योर देयर पॉपुलेशन एज रिड्यूस ग्रेटली. और जो इन स्पीसीज की पॉपुलेशन है वो लगातार कम होती जा रही है. रेयर स्पीसीज पॉपुलेशन ऑफ दीज स्पीसीज इज वेरी स्मॉल in the world and they confined in limited area only a tiny scattered over a wider area. Conservation of biodiversity. Biodiversity is an important for human existence. All form of life are so closely interlinked that disturbance in one gives rise to the imbalance of the others. अगर एक भी बायोडाइवर्सिटी का बीच में से एक्सटेंशन होता है तो और भी जो यहाँ पे फूड चेन पे जो इफेक्ट आता है जिससे दूसरी बायोडाइवर्सिटी भी उसकी वजह से अफेक्ट होती है. इफ स्पीसीज ऑफ प्लांट एंड एनिमल बिकम इंडेंजर्ड दे कॉज डिग्रेडेशन इन एनवायरनमेंट विच मे थ्रेटन ह्यूमन बींग्स ऑन एग्जिस्टेंस. There is a urgent need to educate people to adopt environment friendly practices
and reorient their activities in such way that our development is harmonious with other life form and sustainable. There is a increasing consensus of facts and that such conversation with the sustainable use of the possible only with the involvement and cooperation of local communities and individuals. For this, the developmental of institutional natures structures at local levels is necessary. The critical problem is not merely the conservation of a species, nor the habitat, but the continuation of the process of conservation. The government of India, along with 155 nations, have signed the Convention of Biodiversity at the Earth Summit held at Rio de Janeiro, Brazil in June 1992. The World Conservation Strategy has suggested that following steps for the biodiversity conservation. The effort should be made to preserve the species that are endangered. मतलब जो इंडेंजर्ड स्पीशीज है उनको मतलब सेव प्रिजर्व करना है यहाँ पे. एंड प्रिवेंशन ऑफ एक्सटेंशन रिक्वायर प्रॉपर प्लानिंग एंड मैनेजमेंट एंड वेराइटी ऑफ फूड क्रॉप्स फॉरेस्ट प्लांट्स टिम्बर ट्रीज लाइव स्टॉक एंड एनिमल्स एंड देयर वाइल्ड रिलेटिव्स शुड बी प्रिजर्व. Each country should identify inhabited wild relatives and ensure their protection. Habitats where the species feed and breed, rest and nurse their young should be safeguarded and protected. International trade in wild plants and animals will be regulated and protect, preserve and propagate the variety of species with the natural boundaries. The government of India has passed the Wildlife Protection Act 1972 under the which of the national park and sanctuaries were established, and the biodiversity biosphere reserve declared. The details of these wild biosphere reserves are given in the book of Indian Physical Environment. मतलब दूसरी बुक में दे रखा है, वहाँ पर हम पढ़ेंगे उस बुक को पढ़ेंगे तो बुक का नाम है इंडिया फिजिकल एनवायरमेंट एंड आर सम ऑफ देयर कंट्रीज विच आर सिचुएटेड इन द ट्रॉपिकल रीजन्स एंड पॉसेस लार्ज नंबर ऑफ द स्पीसीज डाइवर्सिटी एंड देयर कॉल्ड मेगा डाइवर्सिटी सेंटर्स एंड देयर आर 12 सच कंट्रीज नेमली मैक्सिको कोलम्बिया इक्वाडोर एंड पेरू ब्राजील डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो मेडागास्कर चाइना इंडिया मलेशिया इंडोनेशिया एंड ऑस्ट्रेलिया इन विच दीज सेंटर्स आर दी लोकेटेड. In order to concentrate the resources on those areas that are most vulnerable, and the International Union for Conservation of Natural and Natural Resources IUCN has identified certain areas of the biodiversity hotspot, and hotspots are defined according to their vegetation, plants, and important because of the determine the primary productivity of an ecosystem. Most but not all the hotspots rely on the species rich ecosystem for food. Firewood, cropland and economic from timber in Madagascar
फॉर एग्जाम्पल अबाउट 85% ऑफ द प्लांट्स एंड एनिमल्स आर फाउंड नाउवेयर एल्स इन द वर्ल्ड एंड अदर हॉट स्पॉट्स इन वेल्थी कंट्रीज एंड फेसिंग डिफरेंट टाइप्स ऑफ मैनी यूनिक प्लांट्स एंड एनिमल्स दैट आर थ्रेटन्ड बाई इंट्रोड्यूस्ड स्पीसीज एंड लैंड डेवलपमेंट। यहाँ पे ये मैप है, इसमें जो इकोलॉजिकल हॉटस्पॉट है और वर्ल्ड की वो उनको मार्क कर रखा है, जैसे कि इंडिया में यहाँ पे वेस्टर्न घाट्स इंडिया, ईस्टर्न हिमालय एंड ये श्रीलंका में एक सिंगाराजा फॉरेस्ट, श्रीलंका इंडोनेशिया में भी है, ईस्टर्न मेडागास्कर। तो आप ये मैप है एक बार इसको रीड कर सकते हैं, इसमें दे रखे इकोलॉजिकल हॉटस्पॉट है वर्ल्ड के, वो उनको मार्क कर रखा है, उनकी लोकेशन दी गई है मतलब। तो इसी के साथ हमारा चैप्टर समाप्त होता है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर आपको हमारा चैनल पसंद आया हो तो प्लीज़ डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू दिस चैनल। थैंक यू।